हम इस फॉर्म वाले कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि उसको सही करें, सही से नहीं था। तो अभी हमारा यहाँ तक ई एम्प्लॉय आईडी तक आ गया। अब एड्रेस, एड्रेस में क्या है कि दो लाइन है, दोनों लाइन को जोड़ना है, ठीक है, दो लाइन को जोड़ना है, स्टेट बाकी सब तो ये है। यहाँ हम आते हैं, तो इसको कॉपी किया हमने, एड कर दिया, और ये हमारा एड्रेस जो है, एक बार देखता हूँ एड्रेस, ये हमारा एड्रेस है C18 and 20। तो यहाँ पे हाँ, म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने C18 और दोनों को मर्ज कर दिया। उसके बाद अगला, इसमें अगला आता है, हाँ, ये आपका C22, E22, हाँ, म्यूट कर लीजिए मैम। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है C22, 8 हो जाएगा हमारा, 8 9 हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट हम आ रहे हैं, क्या है कि यहाँ हमने जो ये लगाया हुआ है, चेकबॉक्स लगाया हुआ है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल चाहता हूँ, और ये है आपका J11। J11 तो अब यहाँ पे J11 की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन में देना पड़ेगा। J1, सॉरी, J1 की वैल्यू अगर 1 है तो टेलीफोनिक, और मी 2 है तो मीटिंग रूम। यहाँ इफ कंडीशन देना पड़ेगा G20 को। रेंज J1 आना चाहिए, और एल्स तो ये रहता हमारा 12, और यहाँ रहता है 12। लास्ट में मैसेज MSG बॉक्स डेटा। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अच्छा एंड इफ नहीं किया हमने। और हम डेटा आके देखते हैं कि डेटा हमारा क्या आ गया, पूरा बिल्कुल सही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो पूरी वैल्यू है उसको क्लियर करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज C8, C12, C15। C18, C22, E22, G22।
कंटेन, इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि ये वर्क करेगा क्योंकि मर्ज है ना, इसलिए एक बार देखता हूँ। क्योंकि नहीं वर्क किया, मर्ज में आपको वन बाई वन ही करना पड़ेगा, तो ये आप कर लीजिएगा ठीक है। ये कंटेंट मर्ज में नहीं चलता है, डेटा हमारा ऐड हो गया। अब इसमें क्या है कि जो डेटा है, अब इस डेटा को मैं मूव एंड कॉपी करता हूँ, मैं कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए मैं डेटा को मूव एंड कॉपी करता हूँ, क्रिएट कॉपी, ये अलग सीट में आ गया। अब इस फाइल का नाम मैं दे देता हूं, नाम से ठीक है, एक तरह से। अब आपको इसको क्या करना है, मुझे क्या करना है कि एक कोड चाहिए, जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो वो अलग एक फाइल में, उस फाइल में सेव करे। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना था, इसमें सब कुछ सेम होता, बस आपको यहां पे हमें करना था वर्क बुक्स डॉट ओपन, और जिस लोकेशन में हमारा वर्कबुक सेव है उसको पहले आपको ओपन करना चाहिए, न्यू डायरी में है ना, जीटी ना, पहले आपको ए वर्कबुक ओपन करना है स्लैश डेटा डॉट xlsm राइट। उसके बाद जहां जहां आपने इस डेटा शीट को ले रखा है वहां पे जाना है और यहां लिखना है वर्क बुक, और इसके अंदर में हमें इन्वर्टेड कॉमा में वो डेटा को लेना है, बस यही करना है कुछ नहीं राइट। इसमें कुछ दिक्कत है, यहां है, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, और ये ओपन होने से पहले हमें एक काम और करना है, मैं s इक्वल टू एक्टिव यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक्स डॉट नेम, अच्छा
बुक होता है। और ये आपको क्या करना है कि ये जो वर्कबुक का अनुपात है ना, ये हर एक सीट के आगे आपको लगाना है। और ऐसे इधर भी, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। इस रेंज आपने दे रखा है, अब इस रेंज में आपको मेरा सीट कौन सा है, एक मिनट, फॉर्म, तो इस फाइल का भी पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वर्क बुक्स, और बुक्स का नाम मैंने एस पे डाल रखा है, डॉट सीट्स, सीट्स हमारा फॉर्म है। तो जहां जहां आपने फॉर्म का पाथ ले रखा है वहां आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा। यहां भी ओके, और यहां भी, जहां जहां रेंज है सब जगह। और फिर यहां पे हमें, मैं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, ठीक है सर। अब मैं इसको रन करके देखता हूं, मैं एक और बटन यहां इंसर्ट करता हूं, और उस बटन पे हमारा जो दूसरा मैक्रो है, तो दो दो सेंट हो गया, एक मिनट, एक सेंट यहां पे, सेंट एफ कर देता हूं मैं बटन्स को यहां पे। मैक्रो और सेंड एफ वाला मैक्रो ले लेता हूं, ये फॉर्म वाली फाइल क्लोज है ना, डेटा वाली, हाँ डेटा वाली भी क्लोज है। चलिए डेटा स्टेट, अब मैं उस लोकेशन में इस डेटा को ओपन करता हूं। अभी 10:43 पे सेव हुआ है ना, समझ गए। तो आप अपने एक डेटा को किसी और फाइल पे सेंड करने के लिए कोड आपका जो सीट टू सीट का होता है वही रहता है, बस उस सीट के आगे उस फाइल को ओपन, सबसे पहले फाइल को ओपन कीजिए और जितने भी सीट्स है उस पे आप अपने फाइल का पाथ दे दीजिए, लेकिन दोनों तरफ। अब मैं यहां भी क्यों दिया, क्योंकि इसमें तो हमने सीट का भी रेफरेंस नहीं दिया था, क्योंकि जब मैंने क्लिक किया था और डन किया था और जब डेटा सेव हुआ था तो हमारा फॉर्म सीटी एक्टिवेट था। बट इस केस में क्या होता है, जब फाइल हमारा ओपन हो जाता है तो हमारा डेटा फाइल एक्टिवेट होता है। तो यहां पे हमने दोनों तरफ का पाथ इसलिए दिया हुआ है। ठीक है सुहास जी, सुहास जी, किरण जी, समझ में आया?